अगर जो बच्चा जन्म लेकर नहीं रोता है ना तेरा, तो तब तो भी मारा कर रुला आते हैं। अगर बच्चा नहीं रोता पूरा परिवार रोता है उसके लिए, हाँ पूरा परिवार रोते है। क्यों? वो बच्चा मतलब गूंगा बनेगा, वो जन्म से ही गूंगा था, वो रोया नहीं। लेकिन जब श्री नारद जी का केवल दर्शन हो गया ना, बस उसका गूंगापन खत्म हो गया, उसका गूंगापन खत्म हो गया। इसलिए इतने में बच्चा जब रोया, ये खबर राजा के पास मिल गया, बोले महाराज मानी जो बच्चा है ना रोना शुरू कर दिया, मुंह खुल गया है। बोले कैसे हुआ? बोले कोई बाबा आए थे, उनका दर्शन मात्र से ही हुआ है। बोले भैया बाबा को उठो, कहाँ गए बाबा को? अरे बाबा बोले, और नारद जी से जा रहे थे, भक्त भी जा रहे थे, वो ना वो राजा मेरे को जेल बंद नहीं करते। बच्चा रोना शुरू किया, मतलब ये मर गया। नारद जी को पीछे भेजे, बोले बाबा रुको। नारद समझ गए बस काम हो गया, लगता है राजा मेरे को जेल में बंद करेगा। बोले क्या बात है? बोले आरसन मात्र से ही मेरे कर्म बंधन समाप्त हो गया। इसलिए शास्त्र ने बताया पुष्पा अत्मो समित उजता। कहीं अगर के साधु है, कहीं अगर के साधु का दर्शन हो जाए, कभी क्या होता है? बोले पुंस अखनो समित उजता, जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह वहां के सारे अज्ञान अंधकार एक साधु दर्शन से खत्म हो जाता है, साधु दर्शन से खत्म हो जाता है। इसलिए एक समय कोई एक साधु किसी गांव में आए, जो वो गांव में साधु प्रवेश कर रहा था, तो भयंकर राक्षस वो गांव से निकल करके जा रहा था। वो साधु ने पूछा, भैया तू कहां जा रहे हो भयंकर? बोले अब आ रहे ना, मैं जा रहा हूं। अभी उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं आ रहा हूँ ये जा रहे हैं। जब वो संत गांव में आया, देखा पूरा गांव गांव परेशान, बीमारी दुख कष्ट क्लेश से पूरा पूरा गांव गांव दुखी दुखी। संत क्या करते हैं? आकर गांव में हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि चर्चा होने लग गया। कहते ना मंगल भवन मंगल हरि, जहां पर हरि कीर्तन हरि चर्चा हो वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है हरि कीर्तन और हरि कथा से। जितना दूर तक भगवान के नाम पूछती हैं उतना दूर तो। कहते ना हनुमान जब नाम सुनावा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कहते ना केवल हनुमान जी का नाम सुनते। क्यों? हनुमान जी दिन भर रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन सीताराम भगवान के नाम जप करते, नाम के प्रभाव है। वो बाबा जब आकर के धीरे धीरे हरि कीर्तन हरी चर्चा होने लग गई, धीरे धीरे गांव की जितने दुख कष्ट जितने आपत विपत अपने आप खत्म हो गए, अपने आप खत्म हो गया। इसलिए कहते बाबा आपको दर्शन करते ही पूर्व जन्मों का प्रारंभ, जैसे मैं जो गिरगिट बनाता ना, वो गिरगिट से मेरे को अच्छे जन्म दिया, कौन सा जन्म? तोता जन्म। लेकिन जब आपको फिर दर्शन किया, दर्शन करते मेरे तोता जन्म भी खत्म हो गया, फिर मेरे को बच्चे के जन्म भी। इसलिए शास्त्र में कहते हैं मानव शरीर पाने से पहले जीव को ये गया जन्म होता है। क्यों? गाय में 33 करोड़ देवता की निवास है, उसका रोम रोम नहीं एक एक देवता, और उसको जो विष्टा और मूत्र में लक्ष्मी सरस्वती की निवास है। तो लाभ दर्शन मात्र से मेरे को ये बछड़े जन्म से मुक्ति मिली और मैंने राजकुमार रूप में जन्म लिया। लेकिन राजकुमार जन्म लेकर के भी मैंने गुंगा था, लेकिन जब आपका दर्शन मुझे मिल गई फिर मेरे गुंगापन भी खत्म हो गया। संत दर्शन से गुंगापन खत्म हो गया, फिर मैं बात करने लग गया, मेरे मुंह खुल गए। इसलिए कहते साधु संग से जीवन का जितने कर्म बंधन, सारी कर्म बंधन हमारी खत्म हो जाती है, और भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। इसलिए कहना बिनु सत संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो जीवन में सत्संग नहीं मिलती है, और जब तक हमारी है बिनु जब तक सत्संग नहीं होता है तब तक विवेक नहीं होता है, तब तक हमारी ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए जब हनुमान जी से विभीषण मिले, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, भगवान की सबसे प्यारे भक्त है, इसलिए श्री विभीषण क्या कहता है, आज वे भा भरोसा हनुमंता, और बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं सकता। बोले जो रघुबीर मोहे अनुग्रह कीनी तो मई दरस हटे, लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कृपा हुई, तभी आज हमें संत दर्शन और सत्संग मिले। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर सत्संग होगी मतलब क्या है, मतलब क्या है?
सत्संग मतलब होता है भगवत प्राप्ति होने का कोई अभी कोई देर नहीं, कोई अभी देर नहीं। हमें जीवन में सत्संग मिल गया मतलब है भगवान हमसे कोई देर नहीं और भगवान हमें जल्दी से जल्दी ठाकुर जी हमें मिलने वाले हैं। तभी जीवन में सत्संग वैष्णव संतों का दर्शन तभी मिलता है। इसलिए जिस गांव में सत्संग हो वो गांव की पुण्य उदय हो जाता है, वो गांव की पुण्य उदय हो जाता है। क्यों? हरि कीर्तन हरि कथा होगी, समझ रहे हो? इसलिए समझो हमारी श्री विमला माता जी सत्संग करने के लिए इन्होंने ये घर को उन्होंने दिया, यहाँ पर सत्संग हरि कीर्तन हो। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं यहाँ पर जन्माष्टमी राधा रानी बनाई बनेगा, भगवान का उत्सव बनेगा, कीर्तन होगी, हरि कथा होगी, ठीक है ना? इसलिए हमारे यहाँ पर भक्त लोग हैं, थोड़ी थोड़ी सत्संग की महिमा बताएंगे, यहाँ पर कथा हुई तो स्थान की क्या महिमा है। इसलिए आप श्री विमला देवी का नाम पर थोड़ा ताली हो जाता ताली किसका नाम पर बना को बताए विमला देवी द्वारा, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादेश गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार प्रेम पूर्वक दोनों हाथों पर करके हम सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम संजय गुरुपाद पर नित्य लीला भूषण जगत गुरु विष्णु पाद अष्टोत्तर तथा शिष्य भक्ति वेदांत परमहंस नारायण गोस्वामी महाराज जी के प्रिय अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मंचातीत मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति विधानशील श्री हरि गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उनके भी श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त वैष्णव ग्रुप अनु गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में आश्रय लेते हुए उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली कथा पिपासु स्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम है। देखिए आज वास्तविक रूप से हम सब लोगों का फिर से शुभ दिन उपस्थित हुआ है। कारण बताने की आवश्यकता है नहीं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारण है उसी प्रकार जीव को कृष्ण तक पहुंचाने के एकमात्र कारण जो साधु हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रील महाराज जी विशेष कृपा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और मैं इतना विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि श्रील महाराज जी के श्री चरण कमलों का कुछ आश्रय करते हुए कुछ सेवा करते हुए 15-16 वर्ष इस जीवन के निकल रहे हुए हैं तो महाराज जी में वो चीजें मैंने देखी है जो शास्त्रों में या हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक जो सदगुरु होते हैं उनमें लक्षण होते हैं। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा करके हम सब लोगों को अपनाया है, ये महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा रही हमारे ऊपर और फिर हमारे अनुरोध से महाराज जी समय निकाल कर इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी यहाँ आए आज और हमने इस छोटे से स्थान को भगवान के कथा कीर्तन के लिए आज माता जी ने हमको आशीर्वाद करके स्थान दिया जैसे महाराज जी ने अभी आप लोगों को बताया। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम सब मिलकर जो भी महाराज जी के चरणाश्रित हैं हम सब लोग मिलकर यहाँ भगवान के कथा कीर्तन का आयोजन समय अनुसार करते रहें। एकादशी की तिथियां हम यहाँ मनाएं और कोई तिथि भगवान के जन्म उत्सव की वो यहाँ हम मनाएं और रविवार को हो सकता है कि हम प्रत्येक रविवार यहाँ कार्यक्रम आयोजित करें
तो उन सभी प्रोग्रामों में आप सभी लोग को हम निमंत्रण अभी महाराज जी के सम्मुख होकर कहते हैं कि आप सभी लोग सब प्रकार से यहाँ निमंत्रित हैं। यहाँ जब भी आपको सूचना मिलेगी कोई प्रोग्राम है भगवान का कथा कीर्तन का तो आप सभी लोग आइए। महाराज जी ने आदेश दिया कि थोड़ी सी हरी कथा के लिए, हरी कथा जो महाराज जी से सुना वही कुछ शब्दों में मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे महाराज जी नाम की महिमा बता रहे हैं कि ये जो नाम है ना यही हमारा एकमात्र साधन है और यही साध्य है। समझेंगे हम इस बात को कि हमको साधना किसकी करनी है और जब साधना करते करते वही साधन हमारा साध्य हो जाएगा तो भगवान भागवत जी में जैसा वर्णन आता है कि ये नाम ही भगवान के रूप को हमारा दर्शन कराएगा, भगवान की लीलाओं में हमारा प्रवेश कराएगा, भगवान के गुरु को हमको दर्शन कराएगा। इसीलिए भगवान का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है। हम भगवान के नाम के आश्रित होकर सदगुरु पदाश्रय करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी यही आदेश दिया, बोले कि नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, बस ये तीन काम करना, सदगुरु धारण करके सदगुरु पदाश्रय करके नाम ग्रहण करके संख्या पूर्वक नाम करना रुचि पूर्वक। हाँ, रूप गोस्वामी बोले के संख्या पूर्वक नाम गान नदवी काला रसानी कृतो निद्रा हार विहार कादि विचतो चैतन्य तदीनोचे, बोले कि संख्या पूर्वक नाम होना चाहिए। हम जितनी भी संख्या करें वो निश्चित हो हमारी। हम एक दिन में 16 माला करते हैं तो वो निश्चित हो कि हम 16 करते ही करते हैं। दूसरा, अगर हम ज्यादा करते हैं तो वो निश्चित हो जाए कि हम 25 करते हैं, हम 32 करते हैं। पर प्रभुपाद बोले एक गृहस्थी को कम से कम 16 मालाएं करनी चाहिए। तो हम जितने भी सब लोग हैं जो भी महाराज जी के चरण आश्रित हैं, गुरु सदगुरु पद आश्रय करे हुए हैं, प्रयास करें, क्योंकि मैं सभी को जानता हूं, सभी मेरे प्यारे हैं, कौन कितना नाम कर रहा है, सभी के विषय में हमारी बातें होती रहती हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ही निवेदन कर रहा हूं कि भाई आप समझ जाएं कि गुरुदेव तो मिल गए, भगवान की कृपा हो गई और ये नाम भी मिल गया। अब हम इस नाम को पकड़ लें, कम से कम 16 माला। जीवन के सारे कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, 16 माला हम अपने जीवन में उतार लें कम से कम। संख्या पूर्वक नाम गाने नतरी, ये हमको संख्या पूर्वक करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि नाम ही एक दिन हमारा साधन होते होते साध्य हो जाएगा। भगवान की ऐसी विशेष कृपा होगी, गुरु पदाश्रय करके गुरु जी की ऐसी कृपा होगी कि नाम ही अपने रूप को हमको दर्शन करा देगा कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, उनका दर्शन हो जाएगा। भगवान की लीलाओं का, भगवान का नाम करते करते हमको कभी आस्वादन होने लगेगा, उन्हीं लीलाओं का दर्शन भी संभव है गुरुदेव की कृपा से। मेरे को एक बात याद आ गई, परम पूज्यपाद नित्य लीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने एक लेख में कहीं लिखा था कि जो भगवान दे सकते हैं वो मेरे गुरुदेव दे सकते हैं और जो भगवान नहीं दे सकते वो भी मेरे गुरुदेव दे सकते हैं। तो गुरुदेव की इतनी कृपा होती है कि जो भगवान देने में समर्थवान नहीं है वो भी सदगुरुदेव दे सकते हैं, बशर्ते कि हमारी ऐसी उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति अनुराग हो, निष्ठा हो, गुरु सेवा की भावना हो। तो गुरुदेव वो भी सब कुछ दे सकते हैं जो भगवान नहीं दे सकते। तो ये नाम गुरु जी ने दे दिया है और मैं समझता हूँ ये नाम ही भगवान नहीं देते किसी को। किसी को बोले कि मेरा नाम करो, संत ही आगे बोलते हैं, गुरु ही आगे बोलते हैं। तो गुरु जी ने वो नाम दे दिया है जो भगवान किसी को अपना देते नहीं कि मेरा भजन करो, मेरा नाम दे दो और भगवान का मेरा भजन करो। नहीं, सदगुरु आते हैं जीवन में, कहते हैं कि भगवान का नाम लो और भगवान का भजन करो। तो ये नाम हमको मिल गया है, सदगुरुदेव हमारे जीवन में आ गए, अब हमको भजन करना है। और एक बात और बोलूंगा कि ये भजन करने के बाद में जो महाप्रभु अपने शिक्षा स्तर में पहला श्लोक के माध्यम से हमारे जैसे जीवों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा गणि निर्वापनम से श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम। महाप्रभु ऐसे करके बोल रहे हैं तो नाम करते करते क्या होगा। सबसे पहले महाप्रभु ये बोले चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन शुरू हो जाएगा। हमारे हृदय में जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष की जो भावना है वो धीरे 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 करके खत्म होती जाएगी। अगर हम खुद से अपना एनालाइज करें, अपने आप का खुद हम टेस्ट लें, एक परीक्षा लें अपने आप की कि हम इतना नाम कर रहे हैं, क्या उस नाम का सही सही हम उच्चारण कर रहे हैं, उस सही सही नाम का फल हमको मिल रहा है। हमारे हृदय में काम है, हमारे हृदय में क्रोध है, हमारे हृदय में लोभ है, हमारे हृदय में ये सारी चीजें कितने परिमाप में है। अगर वो परिमाप कम होता जा रहा है तो हमारा नाम कहीं कहीं हद तक ठीक हो रहा है, लेकिन वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या की भावना अगर बढ़ रही है तो कहां हम नाम कर रहे हैं।
बिल्कुल भी नाम नहीं कर रहे हैं, और ये हो सकता है नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो ये भी हमको करना है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना है। नाम ही सार है, नाम से ही बेड़ा पार होगा, और ये नाम को गुरुदेव ने दे दिया है। गुरुदेव के श्री चरणों में आश्रित होकर निष्ठा पूर्वक उस नाम को भजो भैया, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। आज बड़ी कृपा से महाराज जी प्रस्तुत हुए हैं, और मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर महाराज जी का स्वागत अपनी करताल ध्वनि के साथ करें, और हम ये तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा इतनी तेज तो बोलो, ये पहली बार जगह पर इतने लोग बैठे, आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलो। बोलो हरे सर्वप्रथम गुरु पार्थ नित्यलीला विष्णुपादाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रधान श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रति निवेदन करता हूँ, और उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाठ श्रीमद भक्ति विधान शीतल गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, कृपा वांछा करता हूँ। पूज्य पाठ ज्योति प्रभु राजकुमार प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित राय प्रभा से भक्तविंद मातविंद भक्तगण सबके चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी महाराज जी ने और राजकुमार प्रभु ने हरि नाम की महिमा के विषय बताया, हरि नाम के विषय में बताया, इसकी महिमा बताई। देखो वो राजकुमार प्रभु कह रहे हैं कि गुरु जी के वचनों को दृढ़ करके उसे पालन करना चाहिए, लेकिन केवल हरि नाम दृढ़ करके पालन करेंगे, बाकी चीजों को नहीं करेंगे, समझना पड़ेगा गुरु आज्ञा है क्या। कुछ लोगों का विचार हो जाता है परिस्थिति वर्ष की, गुरु की आज्ञा क्या हम कैसे समझेंगे। तो गुरुदेव जो शब्द को कह दें, जो करने के लिए कह दें, अगर उसमें एक बार भी मन में यह इच्छा आ गई कि ये कार्य हम नहीं कर सकते, तो सीधी बात है अभी हमारी गुरु निष्ठा है ही नहीं। कैसे, जहां पर प्राण भी जाने का डर हो ना, और गुरुदेव कह रहे तुमको वहीं पर रहना है, तो तुमको जाकर के निश्चित रूप में वहां रहना पड़ेगा, वो रक्षा करना उनका काम है। अगर निष्ठा होगी ना तो वहां भी गुरुदेव ही रक्षा करेंगे। इसलिए जो चीज गुरुदेव कह दे, जो सीधी सी बात, गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करी है, एक क्या आरणा करी है मैंने सांस, सीधी बात। गुरु जी की जो वाणी है उसको सीधा का सीधा जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पालन करो। अगर उसके अलावा मन में और कोई अभिलाषा उस समय है तो फिर बात बनने वाली नहीं है। हरि नाम किया, बहुत सारा किया, बहुत लोग जगत में करते हैं, पर असर कौन सा हरि नाम करता पूर्ण रूप में पता है ना, जो गुरु के मुख से जब प्रदान होता है उसके बाद ही वो काम करता है। जैसे मैं एक बात को हमेशा बोला कि बंदूक की गोली बाजार में मिल रही है, उसे गोली कहेंगे, उसे ले आओ खरीद के, गोली है ना, उसे अपने हाथ से किसी को फेंक के मारो, कुछ काम होगा, हो सकता है उसके छोड़ा बहुत कुछ लग जाए, थोड़ा जितना आप में हाथ में ताकत है उतना काम करेगी, पर गोली कहलाएगी कुछ और तो नहीं कहलाएगी। तो पहला है अपने प्रयास से उसको चलाना, जैसा है हाथ से जितनी ताकत ही मार दिया किसी को, कुछ नहीं हुआ। अब उस गोली को चलाने का एक माध्यम है, माध्यम समझते हो, तरीका जिसके लिए वो बनाई गई है। बंदूक लाओ,
बंदूक में डालो और फिर चलाओ, तो किलोमीटर दूर भी अगर आपका टारगेट होगा ना, वहां जाएगी, और सिर्फ टारगेट में जाएगी नहीं, जितना आपने सोचा था उससे अधिक उसका क्या होगा, प्रहार होगा, और हो सकता है जितना आपने सोचा उससे कई गुना ज्यादा हो जाए, उसकी कोई सीमा तो नहीं है। पर चलानी किससे पड़ी, गोली वही है, चलेगी, काम भी गोली रहेगी, पर माध्यम से चलने पर क्या है, मूल काम करेगी। ऐसे ही भगवान का नाम है, लोग अपने आप भी लेते हैं, कोई मना थोड़ी शास्त्र में, पर उसको काम करते करते समय लगेगा, लेकिन जिसने उसको जीवन में पालन किया है, जिसने नाम के अलावा जीवन में कुछ और आश्रय लिया ही नहीं है, जिसने जीवन भर भगवान का नाम किया है और नाम में कृपा है, तो वो जब कृपा करके वो नाम आपको देंगे तब क्या होगा, वो नाम माध्यम से मिलेगा, और जब वो माध्यम से मिलेगा तो क्या करेगा, अपने सारे टारगेट को भेजता चला जाएगा, अपने सारे टारगेट को भेजता चला जाएगा। आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जैसे कहा गया है वैसे के वैसे ही करना है। तो सीधी सी बात, किसी भी चीज को हृदय में ना रखते हो, अगर गुरु की बात को अगर पालन कर पा रहे हैं तो हरि नाम होगा जीवन में बड़े अच्छे से, वो हरि नाम असर भी करेगा, वो भजन भी होगा, नहीं तो भजन होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो गुरुदेव आज्ञा दे जाए उसमें अपनी बात ना रखते हुए सीधा सीधा जो आज्ञा मिल रही है उसको वैसा का वैसा जो पालन करेगा उसको मिलेगा उसका पूर्ण फल, और जो उसमें अपनी बात रख देगा बीच में, इसका मतलब है गुरु जी की बात पर कोई ज्यादा भरोसा, अभी अपनी थोड़ी सी बुद्धि बतानी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या है, नहीं, गुरु सब जानते हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है, उसे ज्यादा किसी को पता है। कितने लोग ये मानते हैं गुरु जी को बताने की जरूरत, उनको पता नहीं है कुछ भी, कितने लोग मानते हाथ उठाओ, उनको बताने की जरूरत है नहीं है ना। तो सीधी सी बात, जब उनको बताने की जरूरत नहीं है तो आपको अपनी बात कहने की जरूरत कैसे पड़ रही है, सीधी बात, उनके सामने जाओगे ना, वो जानते हैं हृदय में क्या बात लेके आया, वो जो कह दे आप समझ लेना इसी को पालन करने में आपकी बात का क्या मिल जाएगा, आपको आगे जवाब मिल जाएगा। जैसे बहुत लोग बहुत सारे प्रश्न लेके गए गुरुजी की कथा इत्यादि में, हमारे को जीत प्रभु बहुत सारे एक उदाहरण देते हैं, तो गुरुदेव को कहा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत सारे, और सिर्फ एक नहीं, उस कथा में और बहुत सारे लोग अपने अपने हृदय में सवाल लेके आते हैं, पर किसी कारणवश कोई गुरुजी से थोड़ा सा भयभीत होते, नहीं पूछ पाते, कुछ लोग अपनी बात नहीं रख पाते, किसी को समय नहीं है। तो लोगों के बहुत सारे लोगों के अनुभव है, जो बात जो प्रश्न हृदय में लेके गए ना उस दिन कथाई उसी विषय पे, उस व्यक्ति को लगा सिर्फ मैं ही टारगेट हूँ, किसके लिए कह रहे हैं गुरुदेव, केवल मेरे लिए कह रहे हैं। और ऐसा वो अकेला नहीं है, ऐसा उस कथा में बैठे कितने लोग हैं। अब ये सोचो स्पेशल रूप में डायरेक्टली आज्ञा देंगे तो फिर वो दिक्कत है, वो कथा ही क्या कर रही है, आपकी उस बात का जवाब देते हुए आपको आज्ञा दे रही है। अब आप उस आज्ञा को कितने परिमाण में पालन करते हैं उसी परिमाण में गुरु जी की कृपा आपके जीवन में क्या होगी, परिलक्षित होगी। तो सीधी सी बात, मेरा अनुग्रह सिर्फ आप सबसे ये है कि गुरु जो जो आपको आज्ञा दे जाए उसको बिना किसी सोच के हृदय में बिना किसी मलाल को रखते हुए वैसा का वैसा पालन करो, साल भर में आपका भजन चरम पे होगा। भजन कोई नहीं जरूरत है आपको किसी से कुछ कहने की, कोई जरूरत नहीं, कुछ जो गुरुदेव की आज्ञा है उसको एज इट इज पालन कर लो, ठीक है। वांछा कल्प तरुण वस्त्र कृपा सिंधु कपिता नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव शरि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहितु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में आसीन पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जिसमें भी लोग भक्त लोग आए, वैष्णव लोग वैष्णवी लोग दीदी लोग माताएं लोग, सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ।
जैसे कि अभी कथा सुन लेते। महाराज जी ने कथा सुनाई सत्संग की महिमा, भक्तों का संग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु जी के चरणों में निष्ठा, गुरुदेव के वाक्यों का पालन करने से हमें क्या प्राप्ति होती है। देखो भगवान की सबसे बड़ी कृपा किसे कहते हैं? भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान कहते हैं तेसाम एव अनुकंपार्थम, मतलब जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसको क्या करता हूँ, अपने शुद्ध भक्तों का संग देता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी कृपा है। और किसी को धन देना, पुत्र देना, परिवार देना, मान सम्मान देना, ये तो मैं उनपे भी करता हूँ, रावण कुंभकर्ण आदि आदि दुष्ट लोग उनको भी कर देता हूँ, पर मेरी वास्तविक कृपा क्या है, मैं जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ ना उसको अपने बारे में बताता हूँ मैं कौन हूँ और मेरे पास कैसे आना है। देखो वो जो बंसी बजा रहे ना वो भगवान है, कृष्ण है, और उनके पास जो बैठी है वो राधा रानी है। देखो पीछे मुड़ के एक मिनट देखना कितने सुंदर है, वो बहुत दयालु है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु वो चाहते हैं मेरे पास जीव आए और मेरे से प्रेम करें, मेरी सेवा करें, पर हम लोग उनके पास जाना नहीं चाहते। और वो क्या करते हैं, बार बार ऐसी योजना बनाते जाते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी भागवत के रूप में आते हैं, कभी गीता के रूप में आते हैं। तो भगवान बार बार चाहते हैं जी मेरे पास आए, मेरे धाम में आए, मैं वहां उसको सुख दूंगा। पर हम इस संसार में बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं, यहाँ बुढ़ापा है, रोग है, मृत्यु है, दुखी है, कष्ट है, ईर्ष्या है, द्वेष, बहुत दुख है संसार, हर पल जल रहे हैं हम हर पल। तो प्रभु हमें पुकार रहे हैं, और वो जब सबसे बड़ी कृपा इसके ऊपर करते हैं ना, उसको कहते हैं कि अपने प्रिय भक्तों को भेजते, संतों को, महाराज जी जैसे भेजे, तुम आओ मेरे पास आओ और मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें अपनी बंसी सुनाऊंगा, अपना रूप का दर्शन कराऊंगा, अब मेरी रास में प्रवेश कराऊंगा, गोलोक ले जाऊंगा, यत गत्वा नानर्वते तद्धाम परम, वहां पर सुख नहीं है और रोग भी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां द्वेष नहीं है, वहां रोग कुछ भी नहीं है, वहां पर चलो। तो भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, अपने धाम बुला लेते। जैसे कोई ना माँ बच्चे कोई रूठ के चला गया और बड़ा दुखी है बच्चा, तो माँ क्या करती है, सबसे पहले जब देखती है बच्चा किसी मौसी के पास है, चाची के पास, ताई के पास कोई सेवा नहीं कर पा रहा, तो माँ क्या करती है, अपना सारा कुछ छोड़ के सब अपने घर लेके आती है, फिर उसका इलाज करती है। तो माँ ऐसे ही भगवान क्या है, भगवान सबसे बड़ी कृपा क्या करते हैं, अपने भक्तों का संग देना। इसलिए जब भगवान जगत छोड़कर अपने गोलोक धाम जा रहे थे ना, बड़े चिंतित थे भक्तों के प्रति, तो उनके जो सबसे प्रिय भक्त थे कौन थे, उद्धव जी को उन्होंने बुलाया, और उद्धव जी को हाथ में हाथ पकड़ के बोले, उद्धव ये जो मेरा संबंध है ना, मेरा जो ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, मेरा एक भक्त है विदुर जी, मैंने जीवन में उसने मेरे को कुछ नहीं मांगा, पर मैंने उसको कभी कुछ दिया भी नहीं, तुम ये मेरा ज्ञान विदुर जी को देना, मैत्र ऋषि मिलेंगे हरिद्वार में, भागवत कथा कर रहे होंगे, और वहां पर क्या करेंगे, तुम विदुर जी को बोलना तुम मेरे भगवान मेरी कथा सुनो। तो जब जाके उन्होंने बात, ये उद्धव जी ने बात बोली विदुर जी को, पता है प्रभु जब जा रहे थे जगत छोड़ के बड़े आपका स्मरण कर रहे थे, कहते विदुर ने मेरे लिए कभी कुछ मांगा नहीं मेरे से, और कहते कि मेरा जो ज्ञान है जो भागवत का ज्ञान है विदुर जी को सुनाना, तो विदुर जी इतना सुन के मूर्छित हो गए और गिर गई, कहते प्रभु इतना दयालु है मेरा भी ध्यान रखते हैं। कहते हैं उद्धव जी बोले कि आप ही का ध्यान नहीं, वो एक एक जीव का ध्यान रखते हैं, एक एक जीव का ध्यान रखते हैं, सुदामा का देखो कितना ध्यान रखते हैं, कितने समय से इंतजार कर रहे थे विदुर जी का। तो भगवान हम सबको इंतजार कर रहे हैं, सब मेरी शरण में आए, सब मेरी शरण में आए। तो विदुर जी ये बात सुन के प्रभु इतने दयालु है करके मूर्छित हो गए, फिर जब होश में आए तो प्रभु जी का स्मरण करते 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 मैत्र ऋषि के पास गए, और मैत्र ऋषि से भगवान की महिमा सुनी, भगवान कितने दयालु हैं, कितने शक्तिशाली हैं। तो भगवान ने हमारे लिए जो सत्संग का आयोजन किया है, और यहाँ पर महाराज जी आए हैं, गुरु वैष्णव लोग आ रहे हैं, तो समझ लो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है। एक डायरेक्ट कृपा होती है, इनडायरेक्ट कृपा, तो भगवान हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कृपा कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, अभी यहाँ पर सत्संग का सुने करेंगे, और भी बड़ी महिमा है भगवान की, कैसे कैसे वो योजना बनाते हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए।
ठीक है ना, आप लोग भी आना। अक्षय तृतीया है अभी आने वाली है वृंदावन में, अक्षय तृतीया के दिन बड़ी महिमा है, तो महाराज जी वृंदावन जाते हैं सारे कामों को छोड़कर, बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, आप लोग भी कोई जाना चाहते तो आना। और वहां पर अभी आज से महाराज जी की कथा शुरू है अशोक नगर में, वहां पर ही भगवान यही बताएंगे ब्रज भागवत अमृत में क्या मेरे भक्तों की महिमा है। सनातन गोस्वामी बता रहे भागवत के सार, भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, भगवान कैसे प्रेम के वशीभूत होते हैं, ना किसी ज्ञान के द्वारा, ना किसी तपस्या के द्वारा, ना किसी योग के द्वारा, ना किसी ऐश्वर्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा ही भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। और कैसे करना है आज इसे महाराज जी कथा सुन कराएंगे, कभी समय मिले सैटरडे संडे में आप आना, रोज नहीं आ सकते तो हमें जाना है, वहां पर कलश यात्रा भी होगी और फिर वहां पर कार्यक्रम है, अक्षय तृतीया के लिए बस लेके हम लोग जा रहे हैं, तो जाना चाहते हैं आज ही नाम देना पड़ेगा, हमें दूसरी बस, एक बस तो फुल हो गई है, पूरी फुल हो गई है, हाँ दूसरी करनी है तो आप जल्दी बताना है। जो अक्षय तीज है ना, ये सृष्टि का पहला दिन है, ठाकुर जी उसी दिन ही विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, इसलिए जौ गेहूं चावल सब कुछ उसी दिन सृष्टि की, इसलिए उसी दिन आप जो कुछ करोगे उसका फल अक्षय फल मिलेगा। जैसे आप गृह प्रवेश करना, कहीं शादी, हम तिथि देखते हैं बढ़िया तिथि, लेकिन वो ऐसे भी तिथि है आंख बंद करके किसी चीज में अगर हाथ लगा दोगे, कोई भी काम करोगे, उसका फल अक्षय फल होगा। और उसी दिन ही हमारे जो गुरु जी की जो गुरु भाई थे, जो गौड़ीय वेदांत समिति उसी दिन स्थापन किया, क्योंकि समिति अक्षय रहे और विश्व ब्रह्मांड में महाप्रभु की वाणी प्रचार और प्रसार हो, इसलिए केवल साल में एक बार ही वो बांके बिहारी या चरण केवल साल में एक बार दर्शन होता है, और साल में दर्शन नहीं मिलता है। और ठाकुर जी का जो पूरा शरीर का जो श्रृंगार है ना, हर समय कपड़े पहने होते थे कभी, लेकिन केवल अक्षय तृतीया को देखेंगे ठाकुर जी पूरा बिना कपड़े और केवल चंदन के द्वारा श्रृंगार केवल उसी दिन ही देखोगे। उसी दिन जो कुछ करोगे देखना साल भर तुम्हारी वही होगा, वो अक्षय तीजा ना, जो कुछ करोगे अगर उसी दिन बढ़िया से जाए ना, देखना साल भर तुम्हारी बढ़िया ही बढ़िया जाएगा, अच्छा ही अच्छा ही जाएगा। इसलिए ये जीत प्रभु आ रहे हैं और यहाँ पर राजकुमार प्रभु है, जो कुछ जाना अगर इसका नाम दे दोगे फिर ये जीत प्रभु सर तो ना बात करके फिर सबको ले आएंगे, और एक दिन ही आना है और उसी दिन ही वापस चले आना, और इच्छा हो तो गिरिराज गोवर्धन जाना तो जा सकते हो, जो कुछ कर सकते हो उसी दिन वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हो, जो इच्छा आप उस वक्त कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे श्री अंजु दबरू जी दो मिनट कुछ बोलेंगे, हाँ दो मिनट मनुष्य वृंदावन बिहारी लाल की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तथा यहाँ उपस्थित पूज्यपाद जीत प्रभु, राजकुमार प्रभु, संजीत प्रभु, सभी बड़े वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथायोग्य दंडवत। आज ठाकुर जी की ही कृपा से मोहन नगर के अंदर ठाकुर जी की कथा प्रसार के लिए ये केंद्र गुरुदेव की कृपा से खुल गया। आप लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी ही कृपा है, तो आप लोग सभी अपने लिए ही ताली बजाइए बड़ी जोर से। देखो रामायण के अंदर एक रामायण की छोटी सी कथा जिसके अंदर एक शिक्षा कूट कूट के बड़ी शिक्षा भरी हुई है, कैसे एक साधक को होना चाहिए, कैसे एक भक्त का जीवन होना चाहिए, कूट कूट के एक शिक्षा भरी हुई है, वो है माता शबरी का जो संवाद। आपने सबने नाम सुना ना माता शबरी, तो जब शबरी जी को उनके गुरु जी ने बोला, और शबरी जी कोई साधारण नहीं, देखने से साधारण लगती है कि कुछ नहीं आता,
भील जाति में उत्पन्न हुई, कुछ नहीं आता देखने से, लेकिन नई शबरी परम तपस्विनी, वो परम तपस्विनी शबरी परम भक्त ठाकुर जी की, राम जी की, लेकिन सिद्ध कैसे हो गई? ऐसी क्या वस्तु थी शबरी जी के पास में कि स्वयं राम चले आए उनके पास? तो एक ही चीज थी जो हमारे दामोदर प्रभु ने बताया कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करी है। उनके गुरु जी ने बोला था, बोले बेटी एक दिन इस आश्रम को छोड़ के कभी जाना मत, यहाँ पे एक दिन स्वयं कौन आएंगे? राम और लक्ष्मण आएंगे। केवल इतनी सी बात बोली थी, लेकिन शबरी माता ने बिल्कुल धारण कर ली उस बात को, भूली नहीं। कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये बात का कोई पता नहीं, लेकिन आएंगे जरूर। इस निष्ठा के साथ में लगातार रोज राजमार्ग फूल लाला के सजाने, कहीं कोई कांटा रघु को नहीं चुभ जाए, पल कन पग धारे चुन चुन पुष्प बिछाए, चुन चुन पुष्प बिछाती, राम राम नित्य जाप करती है माता शबरी। लेकिन जब गुरुदेव आ गए, ओ जब राम आ गए, राम आ गए जब इतना सुंदर कोई भजन करेगा। देखो हमारे जो उपदेशामृत के अंदर में श्री रूप गोस्वामी जी ने एक भक्त की गुण बताए हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए, तो उसके अंदर बताया उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो व्यक्ति षडवीर भक्ति भजन। मतलब बताया कि उत्साह निश्चय धैर्य, ये शबरी माता के अंदर सारे गुण दिखते हैं। उत्साह के साथ में रोज पुष्प सजाती है, रोज थाली, रोज फल चक चक करके लेके आती है, रोज सुंदर सुंदर फल चक चक कर लेकर के आती है, ठीक है, और रोज मार्ग सजाती है, और रोज रात इंतजार करती है। लेकिन ऐसा कब तक किया? कोई एक दिन कर सकता है, दो दिन कर सकता है, ऐसा कब तक किया? बूढ़ी हो गई 15-16 साल से, जब शादी होने वाली थी जब से लेकर के बूढ़ी हो गई, जब तक इंतजार ही करती रही। और पद्म पुराण में तो लिखा है कि 10,000 साल इंतजार की, 10,000 साल माता शबरी ने इंतजार की। लेकिन ये इंतजार का फल क्या हुआ? एक दिन कौन आ गए? स्वयं, स्वयं राम लक्ष्मण स्वयं चले आए। लेकिन जब राम लक्ष्मण का दर्शन करती है तो सीधा जैसे ही बोलती, बोला प्रभु आ गए, मेरे गुरुदेव का वाक्य सिद्ध हो गया, मेरे गुरु जी ने कहा था। और अपने गुरु जी को याद करती है, और राम जी को किसकी महिमा सुनाती? अपने गुरुदेव की, कि मेरे गुरुदेव का ऐसा भजन का प्रभाव था कि ये जो पूरा वन है इसके अंदर सारे फल मीठे होते हैं। शेर गाय हिरण एक ही तालाब में पानी पीते हैं, कोई यहाँ पे जानवर हिंसक प्रवृत्ति का नहीं होता है, यहाँ पे कभी फूल मुरझाते नहीं है, ऐसा मेरे गुरुदेव का प्रभाव था। किसका गुणगान करती है? क्यों? क्योंकि गुरुदेव की कृपा से क्या हुआ? राम मिल गए। और बिना गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब राम मिल गए, राम जी को क्या खिलाती है शबरी जी? झूठे झूठे बेर खिलाती है। और राम जी उस बेर को खा करके बोलते, बोला माता शबरी आपके जो इन बेरों में जो मिठास है, आपके बेरों में जो रस है, माता कौशल्या मेरे को अयोध्या में खिलाती उनमें भी वो बात नहीं, लक्ष्मी मेरे को जो 56 भोग बैकुंठ में खिलाती है उनमें भी वो बात नहीं जो बात तुम्हारे झूठे बेरों में है। क्यों? क्योंकि भक्ति से दिए, प्रेम से दिया इसीलिए। और क्या बोलते हैं सूरदास जी ने कीर्तन में लिखा, झूठे फल शबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतने सुंदर, इतना सुंदर, देखो कितना कितने प्रेम से फल दिया होगा कि भगवान इतनी महिमा गा रहे कि शबरी तेरे फल जैसी मिठास मेरे को कहीं भी नहीं है, तेरे इन फलों में ये मिठास। लेकिन जब प्रभु राम को जो उपदेश, जो बात बतानी थी कि आपको आगे जाना है, हनुमान जी से मिलना है, सुग्रीव जी से मिलना है, उस बात को बताने से पूर्व, बताने के बाद शबरी जी बोलती, बोला प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझको एक आज्ञा दिया था, मेरे गुरुदेव ने कहा था जब राम आएंगे तो राम से तुम उनसे भक्ति का उपदेश लेना। ये जो भक्ति का उपदेश है ये ही हमारे जीवन के लिए बहुत समझने वाली बात है। ये जो सेंटर बना, ये जो प्रचार केंद्र बना, इसका लक्ष्य भी वही है जो वहां पर राम बताने वाले। तो जब माता शबरी ने ठाकुर जी से बोला प्रभु मेरे को आप भक्ति का उपदेश दो कि मुझे भक्ति कैसी करनी चाहिए, तो राम जी कहते, बोला माता शबरी आप तो भक्ति का साक्षात स्वरूप है, ऐसी कौन सी भक्ति का अंग है जो आपके अंदर नहीं है? लेकिन फिर भी राम जी दीनता पूर्वक कहते हैं कि फिर भी जो मेरे गुरुदेव ने मुझे भक्ति का उपदेश, जो भी मैंने मेरे गुरुजनों से, जो भी मैंने मेरे गुरुजनों से सुना भक्ति का उपदेश, वो मैं तुम्हें देता हूँ, आप हृदय से धारण करो। देखो बड़ी सावधान होकर के राम जी ने बोला, सावधान होकर के सुनो और मैं भी हृदय से बताऊंगा। बता करके राम जी कहते हैं, मुझे इसको बजाओ, ये बहुत ही सुंदर है, सब लोग ध्यान से सुनो, इसके अंदर सारी ही बात छुपी हुई है। बोलते हैं राम जी, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही,
प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति प्रभु निज गुण छोड़ कपट निज गान मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा षडम शील विरति बहु कर्मा जपत निरंतर सज्जन धर्म सातवा सब मोहि नय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठवा जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा नवम सरल सब सन चल हरि भरसे दिया हरस न दीना नवदा भक्ति सबरि कह दीनी सादर सबरि शीश धर कितनी सुंदर बताया बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा बोले पहली भक्ति क्या बताया संतों का संग करो और ये सेंटर किस लिए बना है ताकि यहाँ पर वैष्णव आएंगे गुरु जी आएंगे और आकर के हमें कथा सुनाएंगे हर संडे को यहाँ पर कथा होगी इससे क्या होगा हमारे संतों का संग होगा और हम जो राम जो शिक्षा दे रहे हैं उसी शिक्षा को लेकर के हमारी पूरी गुरु परंपरा लेकर के चलती है और उसी के अंतर्गत ये एक टीचिंग सेंटर ये एक प्रचार केंद्र मोहन नगर के अंदर में खुल गया लेकिन जब पूरी नवदा भक्ति बताने के बाद में और जब महिमा गाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं जातिहीन अध जन्म ही मुक्त असिनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी बोला जातिहीन शबरी जी बिल्कुल नीच जाति में जन्म जातिहीन अध जन्म ही मुक्त की नहीं ऐसी नारी बोला राम जी ने ऐसी नारी को भी क्या कर दिया मुक्त कर दिया और महामंद मन बोले ये मन हमारा इतना हरामी है इतना दुष्ट है कि ये सुख चाहता है ऐसे प्रभु को छोड़ करके ऐसे प्रभु को छोड़ के कहीं सुख मिलने वाला नहीं है इसलिए जो राम है वही कृष्ण है कृष्ण ही राम है जो ठाकुर जी है वो काक ताक से खाक कोई व्यक्ति खाक में हो उसको ताक में बिठा सकते हो कोई ताक में उसको खाक में मिला सकते हैं इसको इसको बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं मस कही करई बिरंची प्रभु अज ही मसकते हीन अस जानी त्यज संशय राम ही भज ही प्रवीण बोला मच्छर को बिरंची मतलब ब्रह्मा बना सकते हैं वो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं ऐसे प्रभु को छोड़ करके इधर उधर जो हम भागते हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इसलिए गुरु जी की कृपा से ये जो ज्ञान है ये जो भक्ति जनित ये ज्ञान हमारे हृदय में हमारे जीवन में आ गया और ये प्रचार केंद्र हमारे बीच में आकर के गुरुदेव ने उसका प्रकाश कर दिया हमारे जो वैष्णव है पूज्यपाद देखो राजकुमार प्रभु बड़ी मेहनत के साथ में इस प्रचार केंद्र को खोला अब हमारा ये अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आकर बैठ बैठ करके ठाकुर जी की जो कथा है उसको सीख करके और कैसे हमारे जीवन को उन्नत बनाए इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और गुरु जी की कृपा के बिना ये सब होने वाला नहीं इसलिए गुरु जी जैसा बताते हैं कि कैसे उठ करके रोज सुबह तिलक करना कैसे जो सुबह कीर्तन है उन कीर्तन को करना कैसे हमारा जो हरि नाम जो मंत्र जो गुरुदेव ने किया है जो कि पांचवा भक्ति क्या बताया मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास बोले तो मंत्र जाप जो है इसका कैसे हमको जाप करना चाहिए कैसे ठाकुर के धाम में जाना चाहिए और भक्ति के जो भी अंग है जैसे भागवत ने बताया उन सबका हमें पालन करते हुए हमारे जीवन को धन्य बनाना चाहिए बस यही बोल करके अपनी वाणी को एक भजन गा लो माता जी एक भजन गा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलो राधा रानी सरकार की। कैसे जियो मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, कैसे जियो मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना, मेरो मन ही ना लागे। कैसे जियो मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, कैसे जियो मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। मेरे मैं राधा रानी।
जय जय श्री राधेश। बोली गुरुदेव महाराज की जय। सब खड़े हो जा, आरती हो जा। आओ कुंचे कुंचे गए हो, माइक देना।